हमारे सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी, धन्यवाद। अब मैं वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदानों की मांगों की सूची की स्तंभ 2 में भाग संख्या 1-4 तथा 6-36 के सामने दर्शाए गए मांग के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के संध्याय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदान की मांगें पारित हुई। अब मैं वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदान की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 3, 8, 15 से 19, 26, 30, 32 और 36 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संध्याय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदान की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियाँ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगें पारित हुई। अब मैं वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगे तृतीय बेस सभा के मतदान के रखता हूँ। प्रश्न ये कि अनुदान के अनुपूरक मांगों की सूची स्तंभ 2 में भाग संख्या 1 से 13, 15, 17 से 27, 29, 31, 33 से 36, 39 से 44, 46, 50 से 54, 56 से 59, 61, 67, 77, 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
2022 को समाप्त होने वर्ष के दौरान संधाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदान की अनुपूरक मांगों की सूची स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। वर्ष 2021 से 2022 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगे तृतीय बेज पारित की जाती है। अब मैं वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगे सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न है कि अनुदान की अतिरिक्त मांगों की सूची स्तंभ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष 20 और 21 के संबंध में 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ,
निर्णया वालों के पशुआ वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान के अतिरिक्त मांगे के लिए। नाउ सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस आइटम नंबर 28A माननीय मंत्री जी। सर डिमांड्स फॉर एक्सेस ग्रांट्स फॉर 28 हो गया सर, मेरे पास 28A. Sir, I move to leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services for the financial year 22-23. प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। सर आई इंट्रोड्यूस द बिल आइटम नंबर 28B। हाँ सर, आई सीक योर परमिशन टू मूव दैट द बिल टू ऑथोराइज पेमेंट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्टेन सम्स फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 22-23 be taken into consideration. Prashn ye ki khand 2 or 3 item number 28B sir, 28B प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूचित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों पक्ष अनुसूचित विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। सर आई ऑल्सो मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 28C माननीय मंत्री जी। सर आई मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू ऑथोराइज पेमेंट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्टेन फर्दर सम्स फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द सर्विसेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। इंट्रोड्यूस द बिल आइटम नंबर 28D माननीय मंत्री जी। सर आई राइज टू मूव दैट द बिल टू ऑथोराइज पेमेंट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्टेन फर्दर सम्स फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द सर्विसेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22 बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूचित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुसूचित विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र
और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। सर आई मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 28E, माननीय मंत्री जी। सर आई मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू ऑथोराइज पेमेंट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्टन फर्दर सम्स फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर द सर्विसेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। सर आई इंट्रोड्यूस द बिल। आइटम नंबर 28F। सर आई मूव दैट द बिल टू ऑथोराइज पेमेंट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्टन फर्दर सम्स from and out of the consolidated fund of india for the services of the financial year 21-22 be taken into consideration। prashn ye ki vidhek par vichar kiya jaye। jo sadasya iske paksh mein ha kahe, jo sadasya virodh mein na kahe, mere vichar mein nirnay ha walon ke paksh mein, ha walon ke paksh mein hua, vidhek par vichar karne to prastav sikat kiya gaya। ab sabha vidhek par khandwar vichar karegi। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में, खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि अनुसूचित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में, अनुसूचित विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में, खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। सर आई मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 28G। सर आई मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू प्रोवाइड फॉर द ऑथराइजेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट द अमाउंट्स spent on certain services during the financial year ended on 31st day of March 2019 in excess of the amounts granted for those services and for that year। prashn ye ki vidhayak ko purastapit ki karne ki anumati pradan ki jaye। jo sadasya iske paksh mein ha kahe, jo sadasya virodh mein na kahe, mere vichar mein nirnay ha walon ke paksh mein, ha walon ke paksh mein, maniye mantri ji vidhayak ko purastapit kare। so I introduce the bill। Item number 28H। Sir, I move that the bill to provide for the authorization of appropriation of monies out of the consolidated fund of India to meet the amount spent on certain services during the financial year ended on 31st day of March 2019 in excess of the amounts granted for those services and for that year be taken into consideration। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में, खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूचित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में, अनुसूचित विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में, खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। सर आई मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार 15 मार्च 2022 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।